दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू ग्रो प्लूमेरिया फ्रॉम कटिंग। कटिंग से प्लूमेरिया के पौधे को, चंपा के पौधे को कैसे उगाते हैं। दोस्तों आप चंपा की कटिंग उगाते हैं, आपकी कटिंग उग नहीं पाती है, ग्रो नहीं करती है, तो इसका देखिए आप कारण समझ लीजिए। ये प्लूमेरिया चंपा की कटिंग पूरे साल नहीं उगती है, इसके लिए गर्म और शीतोष्ण जलवायु चाहिए। इसको उगाने का प्रॉपर समय होता है फरवरी से लेकर के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आप इसे ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान है, लेकिन समय का ध्यान रखिए। बरसात के दिन में और ठंडक के दिन में प्लूमेरिया की कटिंग नहीं चल पाती है। तो दोस्तों देखिए, हम चंपा के विषय में एक खास जानकारी देते हैं कि कहावत है कि चंपा तेरे तीन गुण, रूप, रंग और वास, अवगुण तेरा एक है, भंवर न आए पास। चंपा तेरे तीन गुण, इसका मतलब समझ लीजिए रूप। चंपा के पौधे में सुंदरता होती है, सुंदर फूल खिलते हैं, रंग और वास, सुंदर खुशबू होती है। लेकिन इसके बाद भी भंवर मतलब भंवरा, भंवरा, तितली, मधुमक्खी इस फूल के ऊपर, चंपा के फूल के ऊपर, प्लूमेरिया के फूल के ऊपर नहीं बैठते हैं। तो इसका क्या कारण है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि चंपा के फ्लावर में, फूल में, इसमें पराग नहीं होता है, और तितली, भौरे, मधुमक्खी पराग को चूसने के लिए ही फूलों के ऊपर बैठते हैं। तो जब इसमें पराग नहीं होता है तो तितली, मधुमक्खी और भौरों के लिए यूजलेस है। इस कारण से ये भौरे इस प्लूमेरिया के फूल के ऊपर नहीं आते हैं। दोस्तों ये तो एक जानकारी दिए, हम आते हैं कटिंग की बात पे। हम कटिंग ग्रो करने का परफेक्ट तरीका आपको बताएंगे, आसान विधि बताएंगे। हमारे बताए अनुसार आप प्लूमेरिया की कटिंग को उगाइए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों देखिए, ये एक कटिंग हमने उगाया है, ये 2 महीने का रिजल्ट है। फरवरी के लास्ट में इस कटिंग को हमने उगाया था। ये देखिए हमारी कटिंग, जिस समय हमने कटिंग लगाया था इसकी सारी पत्तियाँ सूख चुकी थी, सब पत्तियाँ झड़ गई थी, डारमेंसी का टाइम खत्म हुआ था। उस समय हमने लगाया तो इसको ग्रो होने में देखिए 2 महीने का समय लगा है। 2 महीने में आप देख सकते हैं कितनी नाजुक नाजुक ये पत्तियाँ देखिए ये निकल आई हैं। दोस्तों 2 महीने में जड़ बनना भी प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसका अच्छी तरह से जड़ का विकास होने में 3-4 महीने का समय लगता है। दोस्तों देखिए, आपको एक बात बता दें कि कुछ लोग हथेली के ऊपर दही जमाते हैं और हथेली के ऊपर दूध रख के दही नहीं जमता है, तो ये कटिंग का काम, पेशेंस का काम है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। ये 2 महीने का समय बीत चुका है, 2 महीने का और टाइम बीतने के बाद 4 महीने के बाद हम इस पौधे को बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, आपको कटिंग लगाने के लिए कहीं से भी कटिंग लेना होगा। हम अपने छत के ऊपर चंपा का पौधा लगाए हैं, 20 लीटर की बाल्टी में लगा हुआ है। उसकी हाइट इस समय कम से कम 10 फीट से ऊपर है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। चंपा के पौधे की केयर के लिए मेरा एक वीडियो कुछ दिन पहले अपलोड हुआ है, आप चाहें तो इसके साथ में उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि चंपा के पौधे की केयर किस तरह से करें। दोस्तों देखिए, हम कटिंग कहीं से ले लेते हैं, इसकी जो ऊपर की टिप्स है ये भी लग जाती है, और ये जो बीच की टहनी है आप इससे भी उगा सकते हैं। ये देखिए, हमने एक कटिंग लिया था, इसमें हमने 2 कटिंग बना लिया है, एक ये बीच वाला पोर्शन है, ये टहनी वाला पोर्शन है। दोस्तों देखिए, जिस समय आप कटिंग को पेड़ से काटते हैं तो यहाँ से ये सफ़ेद रंग का दूध, मिल्क टाइप का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, और ये काफ़ी देर तक निकलता रहता है। तो दोस्तों करना आपको क्या है कि कटिंग काटिए, पहले कटर से या चाकू से काट लीजिए, और काटने के बाद आपको लेना होगा ब्लेड, और ब्लेड लेकर के इसको अच्छी तरह से छील लीजिए, क्योंकि ये अगर पोर्शन उबड़ खाबड़ रहेगा तो कटिंग आपकी चल नहीं पाएगी। एकदम स्मूथ कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद जो भी इस पर अगर लिप्स वगैरह है तो इसे आपको एकदम से साफ कर लेना है, और लगाते समय जो कटिंग का ये नीचे वाला पोर्शन है इसे नीचे लगाना है, ऊपर के पोर्शन को ऊपर लगाना है। दोस्तों देखिए, ये कटिंग तैयार करने के बाद आपको क्या करना है कि इसे 2 दिन के लिए, कम से कम, कुछ लोग 5 दिन और 7 दिन के लिए ड्राई करने को बोलते हैं, लेकिन 7 दिन तक सुखाने की ज़रूरत नहीं है। इसको कम से कम 2 दिन के लिए छाया में सुखा लीजिए। छाया में सुखाएंगे तो यहाँ से इसकी नमी समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद देखिए क्या काम करना है आपको। छाया में सुखाने के बाद इस कलम को 2-3 घंटे के लिए, देखिए इस तरह से इस बर्तन में पानी लेकर के
और इस तरह से इसे 2-3 घंटे के लिए डुबा देना है। तो दोस्तों मैं यह प्रक्रिया कर चुका हूँ, और पानी में से निकालिए, फिर छाया में सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद आपको एक दो इम्पॉर्टेंट काम करना है। दोस्तों देखिए, कोई एक फंगीसाइड लेते हैं, और फंगीसाइड का इस तरह से ये देखिए हमने तैयार किया है गाढ़ा पेस्ट, ये पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और पेस्ट तैयार करने के बाद इस तरह से कटिंग को इस पेस्ट में डुबा के रखना है, डुबा के रखना है, और कुछ सूखा पाउडर भी यहाँ पे ये लगा देना है। जब ये गीला हो जाएगा तो थोड़ा सा सूखा पाउडर छिड़क दीजिए, और इसे पुनः आपको धूप में सुखवाना है। धूप में सुखवाने के बाद देखिए अब ये कटिंग लगाने के लिए तैयार है। दोस्तों देखिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने कटिंग के विषय में जानकारी दे दिया कि कटिंग को किस तरह से प्रिपेयर करना है लगाने के लिए। अब बात आती है गमले की। तो दोस्तों देखिए, गमला ना तो बहुत छोटा लेना है, ना ही बहुत बड़ा लेना है। ऐसा गमला लीजिए जिसकी ऊंचाई या गहराई मानिए कम से कम 7-8 इंच की हो। ऊपर में 2 इंच खाली छोड़ दीजिए। इसमें आपको 6 इंच सॉयल मिक्स डालना है। अब देखिए, कटिंग लगाने के लिए सॉयल मिक्स कैसे तैयार करेंगे। वेल्डेंड सॉयल मिक्स चाहिए, तो जो प्लूमेरिया आसानी से ग्रो करता है, इसमें आपको बालू की मात्रा ज़्यादा रखना होगा। बालू भी मोटा बालू लीजिए, जो कंस्ट्रक्शन सैंड है तो इसकी मात्रा 50% लीजिए, मिट्टी 25% लीजिए, इसके बाद गोबर की खाद 10% लीजिए, और कोकोपीट मिलाइए 15%। इस तरह से ये प्लूमेरिया चंपा की कटिंग को उगाने के लिए प्रॉपर सॉयल मिक्स तैयार कर लीजिए। गमले में मिट्टी भरिए, ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए, ड्रेनेज होल को किसी कंकड़ पत्थर के टुकड़े से बंद कर दीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों देखिए, ये कटिंग को लगाने के लिए ये देखिए इस तरह से जगह बनाइए, और इसका कम से कम 2-3 इंच, ये 10 इंच की कटिंग लीजिए, और ये इसका इतना पोर्शन ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा और नीचे करेंगे, ये इस तरह से इस कटिंग को लगाइए, और इस तरह से अगल बगल से मिट्टी देख करके इसे टाइट कर दीजिए। दोस्तों देखिए, आप जो कटिंग लगाते हैं तो कटिंग आपका हिलना नहीं चाहिए, कटिंग अगर हिलेगी तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब देखिए, एक कटिंग हमने लगा दिया, ये दूसरी कटिंग भी हम इस तरह से लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने 2-3 दिन सुखा दिया है, और इसकी नमी काफ़ी हद तक समाप्त हो गई है। अब इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम दूसरी कटिंग भी लगा देंगे, और अगल बगल से मिट्टी दे करके इसको भी टाइट कर लेंगे। जो आपने ये घोल बनाया था ये फंगीसाइड का, इसी घोल में ये इस तरह से देखिए और पानी डाल दीजिए, और ये साफ फंगीसाइड का जो घोल है इसको आप पानी की जगह पर इसमें डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से ये हमने इसमें डाल दिया पानी, एक बार हमने भरपूर पानी डाल दिया ताकि इसके नीचे तक की मिट्टी गीली हो जाए। और दोस्तों अगली बार पानी हम तब डालेंगे जबकि इसकी मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देगी। और सावधानी क्या रखना है कि इस गमले को आपको छाया वाले स्थान में रखना है। इसको 20-25 दिन कम से कम छाया वाले स्थान में रखिए। जब इसमें एक पत्ती कुछ नई ग्रोथ चालू हो जाए तो उस समय इसे हल्का धूप में रखिए। दोस्तों देखिए, ये रिजल्ट हमने आपको 2 महीने का दिखाया, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये मेरी कटिंग चल रही है। ऐसे ही ये 2 पौधे हमारे और तैयार हो जाएंगे, लेकिन इसको तैयार होने में कम से कम इसमें अभी 2 महीना और लगेगा रिप्लांट करने के लिए तैयार होने में, और यह कटिंग 3-4 महीने का समय लेगी। इसी तरह से आपको भी पेशेंस रखना होगा, कटिंग लगाइए, उसको देखते रहिए, समय लगेगा, आपकी कटिंग 100% ग्रो करेगी, यह मेरी गारंटी है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।